अस्सलाम वालेकुम। आज कैफे काम और उससे मुंसलिक चेंबर ऑफ वेमेन सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक लाइव फेसबुक सेशन कर रहे हैं मदर्स डे के हवाले से, जो कि 8 मई को यानी कल तकरीबन सारी दुनिया में मनाया जाएगा। और हम थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, वैसे तो कुछ और मुल्कों में इस वक्त 8 मई शुरू हो चुका है, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको रिकॉर्ड करके कैफे काम के यूट्यूब चैनल पर इसको महफूज कर सकें आपकी बातों को, और ये खूबसूरत याद होगी। हमारे बहुत से दोस्तों ने जिनको मैं जाती जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में काम के हवाले से जानती हूँ, और कुछ ऐसे वेल विशर्स जिनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही मुलाकात होती रहती है, उन्होंने वादा तो किया है कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग जाहिर है मसरूफियात की वजह से, हाँ ईद का भी तो हफ्ता जा रहा है, तो वो किसी भी वक्त जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या है? पहले तो ये है कि कुछ बात की जाए इस हवाले से कि ये कैफे काम जो है ये क्या है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है, तो मैं बताती हूँ कि मेरा कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं, तो वो चलेगा कैसे जी। और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि अभी कौन कौन आ रहा है, कौन आने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें ये है कि रेस्टोरेंट नहीं है ये, हमने कोवर्किंग स्पेस शुरू किया, और आपको पता है कोविड की वजह से बिजनेस मॉडल्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, तो हम भी अफेक्टेड हुए, तो अब हम डिजिटल स्पेसेस पर हैं, काम हम ग्राउंड पे भी करते हैं। और मकसद ये है कि तमाम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, और खुसूसन उन खवातीन को जो बहुत डिटर्मिन है कि वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, कोई छोटा सा ही सही बिजनेस करें, मतलब फाइनेंशली और साइकोलॉजिकली अपने आप को एम्पावर करें, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। क्या इसका मतलब ये है कि मर्द हजरात जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तमाम लोग जिसमें मर्द भी शामिल हैं, जो खवातीन की तरक्की के हवाले से हमारे जैसे नजरियात रखते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। यही वजह है कि चेंबर ऑफ वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर्स के मेम्बरान में कई जो हैं मर्द हजरात जो हैं वो शामिल हैं। और आज के दिन चूंकि हम मदर्स डे के हवाले से बात करेंगे, तो मैंने तमाम बेटों बेटियों माओ को मधु किया है, और कुछ सवालात होंगे, कुछ बातें होंगी, और सबसे अहम बात यह कि आपका मैसेज क्या है आज के दिन के हवाले से, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जी, और मैं देख रही हूँ कि हमारे कुछ गेस्ट जो हैं वो अब आ रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तस्कीन, कैसी हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम सबीन, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि एक जबरदस्त बिजनेस वूमेन होने के नाते और एक माँ होने के नाते आप कितनी मसरूफ हैं, मगर देखें यही तो बात है, मल्टीटास्कर्स है ना, सुपर 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 वूमेन। वैसे मैं सुपर मॉम्स के बारे में कुछ और भी ख्यालात रखती हूँ, वो हम बात करेंगे। अच्छा तस्कीन मुझे नजर नहीं आ रही और सबीन भी नजर नहीं आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप अपने वीडियोस भी ऑन कर लें। हाय, मैंने मेकअप शेकअप कुछ नहीं किया। ओ कोई बात नहीं, अस्सलाम हम अच्छा सा फिल्टर लगा देंगे। वालेकुम अच्छा डॉक्टर शंदा, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी तस्कीन कैसी हैं आप? आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इम्पोर्टेंट आज मदर्स डे की सेलिब्रेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी अब आप बताएं, क्योंकि आप काफी सालों के बाद, जिसे कहते हैं ना एक्चुअल स्पेस तो अभी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रूबरू मुलाकात हो रही है, तो कुछ अपने बारे में बताएं इस डे के हवाले से, आपके अपने क्या ख्यालात हैं? और जब तक सबीन साहिबा जो है वो, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तो लिबर्टी ले रही हूँ, शायद वो मेकअप करने लगी है, चले जी तस्कीन बताइए, कुछ बिल्कुल, अपना तो तारुफ भी कराएं कि आप एक यंग एकेडेमिक हैं, बहुत टैलेंटेड है, मैं तो फिर आपकी तारीफें या जो सही बातें करते करते पूरा घंटा गुजार दूंगी। कुछ मुख्तसरन अपने बारे में बताएं और मदर्स डे के हवाले से बातचीत करें।
बिल्कुल ब्रीफली स्पीकिंग आपने जिस तरह बताया, मैं यंग एकेडमिक अर्ली करियर सोशल साइंटिस्ट आप कह सके हैं, मैंने एकेडमिक एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंथ्रोपोलॉजी में है। करंटली आई एम एफिलिएटेड विद अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर सोशल साइंसेज पढ़ाती हूँ, खुद PhD भी कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी में। तो मदर्स डे से रिलेटेड जब आपने ये टॉपिक का जिक्र हुआ तो मेरे माइंड में तो काफ़ी चीज़ें आ रही थी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर, स्पेशली जरा सोशल साइंस परस्पेक्टिव से, कि हम जो मदर्स का एक सोशल रोल है, आई थिंक उसको उसके साथ थोड़ा सा नैरेटिव उसका चेंज भी होना चाहिए। अभी फॉरन मदर का नाम सुन के एकदम से आता है ना माइंड में कि सैक्रिफाइस का माइंड में जरा ज्यादा एक आता है एलिमेंट, या रेजिलियंस का आता है, या फिर नर्चरेंस का आता है। लेकिन इस सारे नैरेटिव में हम भूल जाते हैं कि मदर्स की खुद की जो एक स्ट्रेंथ या सेल्फ केयर, या मदर एक खुद भी एज एन इंडिविजुअल उसकी एस्पिरेशंस वगैरह हैं, वो इस सारे नैरेटिव में कहीं खो सी जाती हैं आई फील, जो कि आई थिंक मदर्स डे पे दोबारा से मदर्स को वो सेलिब्रेट जब करते हैं तो उसमें ये एलिमेंट का खास ख्याल भी रखते हैं। उसके अलावा आई ऑल्सो फेल्ट के वो जो इंटरसेक्शनल लेंस से भी हमें देखना चाहिए कि मदर जो है वो एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। आई बिलीव इतनी डिफरेंट टाइप्स की हमें मदर्स नजर आती हैं और सब सबकी अपनी एक वैल्यू है। सिंगल पेरेंट फैमिलीज है, जॉइंट फैमिली में मदरहुड एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, यंग मदर्स हैं, तो ये एक वैरायटी जो है मदर्स की, वो उसको सेलिब्रेट जो है वो भी करना चाहिए। आपने मैसेज का भी पूछा तो थ्रू योर प्लेटफॉर्म में जो अपनी मदर को अगर एक टू टेक द लिबर्टी एंड सेंड अ मैसेज, तो आई थिंक आजकल की मदर्स जो हैं इतनी विद द एवर चेंजिंग यू नो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है या सोशल स्पेसेस इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं कि हमारी मदर्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सीख भी रही हैं और कॉन्टेक्चुअल पेरेंटिंग कर रही हैं। आई बिलीव वो बहुत आजकल की पेरेंटिंग, आजकल की मदरहुड जो है वो बहुत मुश्किल है, डिफरेंट है। तो आई थिंक कि मदर्स जो हैं इस डे पे जरा दोबारा से एक रिविजिट करने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है कि बहुत सही आपने बातें की और आपका की जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली दफ़ा मिली थी तो उस वक्त आप फ्रेश ग्रेजुएट थी लम्स की। हाय अस्सलाम वालेकुम सबीन, और अब माशाल्लाह आप PhD मुकम्मल करने के करीब हैं। और इंटरसेक्शनैलिटी लेंस की बात आपने सही की, क्योंकि एक ही खाने में रख के हम एक फ्रेम सा बना लेते हैं और उसमें फ़िट कर देते हैं। बहुत खूब तस्कीन, अगर थोड़ी देर के लिए आपका वीडियो ऑन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और जब तक मैं सबीन से, चूँकि बहुत मैंने जुल्म किया है और वो जो तस्कीन कह रही थी कि ये जो मदर्स के साथ जो सेक्रीफाइस का जो तसव्वुर है इसको भी हमें रिविज़िट करना चाहिए, लेकिन देखें अब आदत पड़ गई ना मेरी और सबीन की, तो हमने कहा कि आ जाए। अच्छा, आसिया आंसर हैं, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट, और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी तो वो भी हमें थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर रही हैं। और जब तक वो अपना ऑडियो और वीडियो कनेक्ट करती हैं, सबीन आप बताइए जल्दी जल्दी क्या महसूस करती हैं माँ का दिन एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, बताइए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप एक औरत, क्योंकि वजूद जन से है कायनात के रंग, तो ये तो एक बहुत बड़ा पुराना फलसफा है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और एक बैलेंस है अल्लाह ताला ने जो रखा है। अगर हम ये कहें कि भी सब कुछ औरत ही है, बीइंग मदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेटी बीवी, तो ऐसा नहीं है। मर्द है तो हम हैं, आपस की बात है। और ये जो है आपको इस चीज को भी एक्सेप्ट करना, जब तक हम नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मसाइल रहेंगे। और मेरा तो आज तक भी जो भी शिकवा है ख्वातीन से वो ये है कि हम क्यों इतनी एफर्ट करते हैं कि मर्द के बराबर आने के लिए, सब कुछ जहाँ सितारों को से कहते हैं आसमान से तारे तोड़ के ले आए, कभी मर्दों ने भी कहा है कि हम इस तरह आसमान से तारे तोड़ के लाएं या हम औरतों की बराबरी करें, उनमें तो दम है नहीं इतना।
लेकिन हम मरे जा रहे हैं कि हमने जो है सब करना है। हाँ ये अच्छा, जिस तरह वो टेलीविजन के प्रोग्रामों में होता है ना कि बहुत अहम बात कर रही है मगर इस वक्त हमें एक न्यूज ब्रेक लेनी है, क्योंकि हमें एक जर्नलिस्ट जो कि मैंने कहा था बहुत ही मशहूर और जाहिर मसरूफ है, और आसिया मैं आपको वेलकम करूंगी, थोड़ी देर के लिए आई है तो, और वो भी अपनी वर्क प्लेस से। तो बताइए कि ये जो मदरहुड पेनल्टी के मुतालिक बताइए कि एक तो औरत होने की भी सजा मिलती है, अक्सर लोगों का ख्याल है उनको बड़े फायदे मिलते हैं, नान पहले मिल जाता है, और भाई वे में मार्क्स कोई मुझे बता रहा था कि जो खुशक्ल लड़कियां होती हैं उनको मिल जाते हैं, ये भी बायसेस हैं। तो आप बताइए कि स्टोरी दे रही हैं मदर्स डे पे या कुछ और काम कर रही हैं और कैसा महसूस कर रही हैं। पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अनम्यूट कर लें आसिया अपने आप को। जी, आपके इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी, अभी मैं सुन रही थी मुझसे पहले जो पार्टिसिपेंट बोल रही थी, सॉरी मैं बीच में आई हूँ तो मेरा सबसे तारुफ नहीं है, लेकिन मैं बहुत, यानी मदर्स डे भी है, मैं एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी हूँ, और ऑब्वियसली माँ हूँ तो एक बीवी भी हूँ। लेकिन औरत होने पर जब मैं बच्ची थी तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं लड़की क्यों हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पाबंदियां अपने अतराफ में नजर आती थी और हर चीज पर एक रिस्ट्रिक्शन होती थी। ये भी होता था कि अभी ना करो ये काम, शादी के बाद कर लेना। तो समझ नहीं आता था कि अपना मकसद क्या है, वही साइकिल मेरा भाई चला रहा है और मुझे मना है। अच्छा, उसके बाद फिर पता नहीं, मैं टॉपिक से हट ना रही हूँ, लेकिन जो मेरे मैं बात कहना चाह रही हूँ तो मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। टॉपिक से बिल्कुल नहीं हट रही हैं और ये हमारा दिन है, कुछ भी बोले ना। अच्छा ठीक है। जी। तो फिर मतलब बड़े हो गए, उसके बाद शादी हो गई, शादी हो गई और एक बीवी बन गए, तो फिर पता चला कि पाबंदियां ऐसा, जब भी वो चीज जो हम सोचते थे कि यार छोटी छोटी चीजें होती थी कि ये काम जो बचपन से सुनते थे कि अभी ये करने की उम्र नहीं है, तो फिर पता चला वो उम्र जब भी नहीं आई, पाबंदियां किसी और नौीयत में हमारे साथ थी। लेकिन माँ बनने के बाद, और फिर अब मेरे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह मतलब अब कॉलेज में जाने की उम्र उनकी आ गई है, तो मुझे ये लगता है कि अब मुझे आके लगता है कि नहीं, औरत होना इतना मुश्किल काम नहीं है, जिम्मेदारियां ऐसा ज्यादा है। लेकिन एक माँ होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जिन कामों से मेरी माँ मुझे उस वक्त कुछ चीजें समझाया करती थी, शायद वो उस वक्त बच्ची होने के नाते मेरी समझ में उस तरह नहीं आती थी जो वो मुझे समझाना चाहती थी। तो माँ बनने के बाद पता चला कि औरत होना, माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बीवी होने का एडवांटेज हम शहरी खवातीन को जरा मिल जाता है कि हम बाज दफा जो है वो अपनी बात मनवाने के, यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें एक ऐज हासिल होता है और एक औरत होने के नाते एक ऐज हासिल हो जाता है और मान ली जाती है बात। लेकिन माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब तक हम खुद बच्चे थे तो ये समझ नहीं आता था, और अब एक एहसास तफाखुर भी है कि अल्लाह ताला ने ये बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर मतलब ये एक वो दिया, एक मनसब दिया कि एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और मैं अभी सोचती हूँ एक और चीज, मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी तो मैं एक माँ भी बहुत कम उम्री में बन गई थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा कम उम्री की शादी जो है ना वो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं होती, क्योंकि अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे जरा सी समझ होती तो शायद मैं अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर तौर पे तरबियत कर सकती थी, ज्यादा बेहतर पाल सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि शादी के लिए जब हम अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, मतलब अपने घर के मर्दों के लिए लड़की तलाश करने जाते हैं तो हमें कम उम्र लड़की देख रहे होते हैं, लेकिन एक कम उम्र लड़की का माँ बनना लड़की के साथ भी ज्यादती है लेकिन उन बच्चों के साथ भी ज्यादती है। तो मुझे ये लगता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 19 साल की उम्र में और एक बच्चे की माँ, और 23 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ नहीं बन जाना चाहिए था। अगर थोड़ा सा ये कि समझदारी के साथ बच्चों को पालती तो ज्यादा बेहतर तरीके से एक माँ की जिम्मेदारी निभा सकती थी। तो बस यही अभी भी गिल्ट ट्रिप पे जा रही हैं और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं, और अगर आपके 18 साल से कम पे हुई होती तो मैं अभी एहतजाज करती चाइल्ड ब्राइड के खिलाफ जनाब, इसलिए कि 20 साल तक तो लड़कियों की जो है ना हड्डियां ग्रो कर रही होती हैं, यानी अभी वो खुद एक बच्ची होती है, मतलब 18 वो लीगल एज की तो बात छोड़ें, तो एक जिसकी अपनी बॉडी अभी
मैच्योर हुई नहीं है, उसके सिर्फ कुछ प्यूबर्टी साइंस हैं, तो उसकी बेसिस पे उसकी शादी कर दी जाए। और फिर वो होता है ना, लड़की छोटी, चूंकि ज़ाहिर टेंडर लुक्स होते हैं तो अच्छी लगती है, और फिर कंट्रोल का भी होता है ना कि छोटी है तो इसको ज़रा दबा देंगे, काबू कर लेंगे ना। और फिर आपने देखा कि वही छोटी छोटी लड़कियां जब हम बड़ी हो जाती हैं और जरा सा वेट भी आ जाता है सब कुछ, तो कहते हैं हाय कि वही छोटी वाली पतली सी लड़की थी, ये बोलती भी है, तो वो बहुत ही लोगों को शॉक हो जाता है, अच्छा ये सोचती भी है। और फिर कहते हैं रिश्ता लेने गए थे तब तो तुम बड़ी मासूम लग रही थी, भाई ये नहीं पूछते उस वक्त उम्र क्या थी और इतना कुछ पता चल गया। तो मैं एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं सिर्फ आप लोगों को सुनूंगी, बोल नहीं सकूंगी। एक ये भी आपकी बहुत नवाजिश है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बीट है और आपको स्टोरी भी फाइल करनी होगी। मैं आपसे हमेशा हमेशा आपके इनविटेशन पर मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं पहुंच सकूं, आ सकूं, शरीक हो सकूं, लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि आपने रिमाइंडर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया, बड़े अच्छे तरीके से दावत दी, और मेरे लिए आज ये मौका था कि आज मैं काम के दौरान इस पर बात कर सकूं। अच्छा, एक चीज जो चीजें फिर मैंने अपने बचपन में ये देखी, मेरी शादी कम उम्र में हो गई, अब मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन मौजूआत को उठा सकूं जिनको मैंने खुद तरह फेस किया ना, और उस वक्त बोलने की ताकत नहीं थी, लिखने के लिए कलम नहीं था, बोलने के लिए वो मतलब वो आवाज नहीं थी जो हवा के दोष पे लोगों तक पहुंचाई जा सके, वो अल्फाज, वो तहरीर, वो जगह, वो प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अब मेरी ये कोशिश होती है कि खातून होने के नाते, लड़की होने के नाते, मैंने जो चीजें फेस की वो मैं अपने अतराफ में भी देखती हूँ। वैसे औरत होना, वही अभी जो मुझसे पहले भी एक बात हो रही थी, औरत होना इतना बुरा नहीं है, औरत होना एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे देही इलाकों की खवातीन हैं, जो कम पढ़े लिखे खवातीन हैं, जो पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक ना रखने वाली बच्चियां हैं, उनके साथ वाकई बहुत जुल्म हो रहा है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि वो मुझे सही तो नहीं पता उसे क्या कहते हैं, दामे दुरमे कदमे सुखने, हम जितना हो सकता है उनकी उनकी मदद के लिए, हम चाहे अपनी आवाज के जरिए, चाहे अपने अल्फाज के जरिए, चाहे अपने कलम के जरिए, या चाहे उनके हाथ थामने की बात हो, उन्हें एक राह दिखाना हो, अपनी काम वालियां जो हमारे घरों में आती हैं, अगर हम उनकी बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेंगे, तो मेरा ख्याल है आगे जाके, काफी आगे जाके, शायद हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन या उससे बाद वाली जनरेशन में खवातीन की उन बच्चियों के लिए भी बेहतरी आएगी जो दूर दराज के इलाकों में रहती हैं, जिनको वो अभी सहूलियात नहीं है, तो शायद हमारी छोटी सी काविश से वो सब हमारे साथ आगे कहीं जाके शाना बशाना चल सकें। तो आप सबका शुक्रिया। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, और आपके तवज्जो से एक रिक्वेस्ट आपकी बिरादरी तक, जो कभी मेरी भी बिरादरी थी सहाफियों की, कि जो खवातीन के इश्यूज हैं, या जिस तरह आज हम माओं के इश्यूज की बात कर रहे हैं, फिर सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, शादी के मसाइल के हवाले से, तो इनको भी जो है ना मौजूए सुफन बनाया करें। सिर्फ सियासतदानों की बातें कि कौन कहाँ ईद मना रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने, किस पे कितने करप्शन के चार्जेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर वक्त ये सुनाई देना, यानी कि आपको पता है कि हर 20 मिनट में एक औरत जो है पाकिस्तान में वो उसकी मैटरनल डेथ होती है, यानी जजगी से रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो उसकी मौत हो जाती है। फिर मैटरनल मॉर्बिडिटी के डेथ तो चले नजर आ रही है ना कि फौतगी ही हो गई, अब वो तो एक्सट्रीम है, वो तो एंड है, दी एंड, लेकिन आप जब जिंदा रह रहे हैं और बहुत सारी पेचीदगियों के साथ और फिस्टुला और ऐसी ऐसी बीमारियां कि आप बता भी नहीं सकते, और उसका इलाज इतना महंगा है, और एक्सेस टू हेल्थ केयर क्वालिटी तो छोड़ दें वो भी इतनी मुश्किल है, तो इस पर बात नहीं होती, और फिर कुछ दिन पे ही होता है, और दिनों को भी बाज़ दफ़ा बड़ा पोलिटिसाइज किया जाता है कि औरतों का दिन है तो सिर्फ एक ही जो है तबके की तरफ देखा जाता है, या एक ही इवेंट जो है उसको देखा जाता है। तो आई नो व्हाट इज बैड इज न्यूज, और इस तरह की चीजों पे अट्रैक्शन भी नहीं होती, आप जैसी अच्छी अच्छी दोस्तों को जबरदस्ती जो है मैं दावत में भेजती हूँ, लेकिन ये कि जब तक वो आपने कहा दामे दर में सुखने, तो ये भी है कि भाई जहरा में भी तो अजान देनी है, तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म को भी और हमारी सहाफी बरादरी को भी बताएं कि करंट अफेयर्स में जो है ना ये औरतों के मसाइल और सेहत के मसाइल भी जो है ना बहुत शुक्रिया आसिया, आई एम सो ऑनर्ड, सो हैप्पी कि फाइनली आप इस प्रोग्राम में आई। और सबीन, आप से तो ये जरूर बात करनी है कि क्योंकि वही बात है कि हम एक दिनों के हिसाब से ना खानों में रख लेते हैं कि आज माजूर अफराद का दिन है, आज तशद्दुद के खिलाफ ये होगा, आज औरतों का है, आज माओ का है, आज एनवायरमेंट का है, लेकिन आप तो पूरी जिंदगी गुजर गई और अभी आगे बहुत अपने काम करना है, जो अपने बच्चों के लिए और एजुकेशन और डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से जो काम है उसके बारे में भी कुछ बताएं।
कि वो माएं जो है उनकी जिंदगी में क्या ज्यादा, मैं जबर तो नहीं कहूंगी, जो जिम्मेदारी और सेक्रीफाइस है वो किस नौयत का होता है, एंड बाय लिविंग इन पाकिस्तान। मैं अंडरमाइन नहीं कर रही कि हमारी वो बहनें जो कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में हैं, एहसास है, लेकिन बीइंग इन पाकिस्तान, आपको पता है जिस तरह मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं जरा नाशुक्री काफी हूँ, कि मैं तो खुद लगता है कि कल्चरली डिसेबल्ड हूँ, मतलब सब कुछ होते हुए भी इतनी ज्यादा आपके सामने बैरियर्स आते हैं, तो बताइए। बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये तो एक डिलेमा है, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन ये बात अपनी जगह सच है कि औरत को बहुत ज्यादा आजादी के बावजूद भी हम आजाद नहीं समझ सकते। आपने जो बात की कल्चरली, बिल्कुल, आज भी आपने एक पोस्ट मुझे याद है कुछ दिनों पहले डाली थी कि यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन इन मरी, तो एवरीबडी इज आस्किंग मी, तो स्टिल यस पीपल आस्क, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली कल्चरली आप जिसे कहती हैं, वाकई में ऐसा है। अभी भी वी सफर अ लॉट एज अ वुमन, इवन दो वी आर सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर और एस्टेब्लिश्ड हैं, बड़े हैं, मच्योर हो गए, तब भी आपको ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क्स आपके पास रहते हैं। जो आपने स्पेशल चाइल्ड या चिल्ड्रन इंक्लूसिव उसमें बच्चों पेरेंटिंग की बात की, तो ये बात सही है कि पाकिस्तान में मसाइल ज्यादा हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त इन जो भी माएं हैं वो सफर करती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो खुद इस एक्सेप्टेंस पे नहीं होती हैं। हमारी माएं जो है, माए क्या पेरेंट्स, खुद डिनाइल में होते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा बच्चे के साथ कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो बहुत ऑब्वियस है, फिजिकल है, तो वो फिर दे रियली स्टार्ट्स बैनिंग के भाई हाय मेरे साथ क्यों ऐसे हो गया। जैसे आपने अभी कहा कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी में चली जाती हैं और उसमें क्वेश्चनिंग में, ये चीज भी है। पहले तो उनकी ट्रॉमा थेरेपी करना जरूरी है, उनको उस चीज से पुल आउट करना, उनको काम डाउन करना जरूरी है। जब वो डिनायल की फेस से निकलते हैं तो फिर उनके साथ बैठ के हम रेमिडिएशन पे आते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो साइको काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक आज भी हम यही बात समझाना चाहते हैं कि इंक्लूसिव का नारा लगाना बहुत आसान है। इंक्लूसिव का मतलब हरगिज सिर्फ ये नहीं है कि आपने फिजिकली डिसेबल्ड और एबल्ड को इकट्ठा बिठा दिया, दिस इज नॉट इंक्लूजन। इंक्लूजन में सब लोग आ जाते हैं, जिसमें आपके लर्निंग डिफिकल्टीज के भी बच्चे हैं जिसे हम डिसलेक्सिक कहते हैं, और वो दे ऑल्सो हैव सो मेनी डिफरेंट इशूज, और जब तक हम उनको टारगेट नहीं करेंगे और उनके पेरेंट्स को नहीं समझेंगे तो समझाएंगे तो बहुत मसला हो रहा है। और पेरेंट्स जो हैं वो काफी इस वजह से डिस्टर्ब भी हैं, इवन हमने उनको ट्रीट आउट भी कर दिया, हमने डायग्नोज भी किया, ट्रीटमेंट भी हुआ, रिमेडिएशन भी हुई है, बड़े भी हो गए, मगर स्टिल दे आर अफ्रेड ऑफ शेयरिंग देयर स्टोरी। हालांकि वो उनकी सक्सेस स्टोरी है, उनका है, मगर वो यही फैक्टर से कि लोग क्या कहेंगे के फैक्टर से बाहर नहीं आ रही है, और वो अभी भी यहीं पे रुकी हुई हैं कि हम ये कैसे शेयर करेंगे कि हमारे बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी थी, या उन्होंने कुछ उसमें अपने एजुकेशन में जो है वो अकोमोडेशन अवेल की, या किसी भी तरीके से उनको पढ़ने में जो है वो थोड़ा सा लिवरेज दिया गया। ये बातें जो है वो अभी भी एक्सेप्टेंस पे नहीं आती हैं, और दे आर नॉट रेडी टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरी। तो यहाँ से भी हमें प्रॉब्लम होती है कि अगर हम सेंसिटाइजेशन पे जाते हैं, अवेयरनेस पे जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन पे जाते हैं, तो हमें बहुत ही मुश्किल से जबरदस्ती गन पॉइंट पे उनसे कहलवाना पड़ता है कि भाई ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है, आप जो चीज दिखाएंगे वो मानेंगे लोग। तो अगर हम कोई सक्सेस स्टोरी बताएंगे नहीं कि ये बच्चा किस हालत में हमारे पास आया था और अब कहाँ पर है, तब तब लोगों को पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ हुआ और उसमें पेरेंट्स की क्या जर्नी थी और टीचर्स की, क्योंकि ये इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी जॉब। ये नहीं है कि सिर्फ मैं अकेली उठ के सारे काम कर लूंगी या पेरेंट्स सारे काम कर लेंगे या बच्चे, इट्स
कंबाइन एफर्ट, और इसमें आपको देखना है कि अगर उनको साइकोलॉजिकल कहीं हेल्प चाहिए तो वो भी उनको मिलनी है, पेरेंट्स पेरेंटिंग में भी उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि सिबलिंग्स को भी समझ हो, पेरेंट्स को भी समझ हो, इसके अलावा जो आपकी स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें आपकी प्रिंसिपल मैनेजमेंट टीचर्स उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये बच्चे इनकी नीड्स क्या हैं और हमने इनको कैसे केटर करना है, और फिर उसके बाद हमारी रिमीडिएशन आती है। अगर वो उसमें फिट इन नहीं हो रहे इस सारे सिनारियो में और उनका जो सिवेरिटी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके हिसाब से जाहिर है आपको हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आपने लेनी है इन मे बी इन टर्म्स ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर इन टर्म्स ऑफ रिमीडियल थेरेपिस्ट। ये आपको फिर साथ में कर लेके चलना है, और ये सारे मिलके फिर वो एक कहते हैं ना चीजों को फिक्स करते हैं और फिर वो पुर्जे जोड़ते हैं और आपकी चीजें जो है वो सर्किट कंप्लीट होता है और आप उसके एक बल्ब ऑन करते हैं। तो ये चीज अभी समझाने में मेरा ख्याल है कि काफी हम पीछे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त अलमिया है, और काफी मसले हैं इस हवाले से, और बाहर फिर भी कुछ ना कुछ तेजी से काम शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी वो भी वही है कि आटे में राई के बराबर, कोई इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं थे लोग। तो शुक्र है कि अभी काम करना शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीजें ठीक होंगी। बस पेरेंट्स के लिए यही है, खासतौर से मदर्स के लिए, बल्कि मैं कहती हूँ जो बच्चे हमारे पास तक पहुंचते हैं वो मदर्स ही की वजह से पहुंचते हैं। दे कीप ऑन फाइटिंग, दे कीप ऑन सेइंग कि भाई ये यहाँ पे गड़बड़ है, दे फाइंड इट आउट कि भाई यहाँ पे मसला हो रहा है, और वो हमारे पास आते हैं और दे इंसिस्ट कि आप हमारे बच्चे के साथ कुछ वर्कआउट करें, कुछ इनको हेल्प आउट करें। तो जो भी चीजें हैं वो फिर भी माँ के वजह से जो है वो यूजली चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो इसलिए। लेकिन ये कि हाँ वो बस एक्सेप्टेंस में जाहिर है प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर में होती हैं कि वो फिर उन चीजों को जरा अंडर द कारपेट करती हैं कि ताकि जो है चीजें जो है वो ज्यादा आउट ना हो, और जाहिर है उनके जो फैमिली कल्चरल प्रेशर्स हैं उस पर वो फिट इन हो सके। लेकिन ये कि ये मेहनत आपने करते रहना है, और इसी तरह से आप आए माए जो है वो विजिलेंट हो, जरा सा भी जो आपके जो रेड फ्लैग्स हैं जो आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ के हैं उस पर कहीं भी आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, डिलेड स्पीच है, बच्चे का बैठना है लेट, चलना है, उसको आप जरूर नोटिस करें और फौरी तौर पे आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं, किसी भी पेडियाट्रिक को फौरन जाके दिखाइए ताकि वहीं पे आप स्ट्रीम आउट कर सकें, क्योंकि 1 out of 9 इज अ डिसलेक्सिक, 1 out of 9 की रेशो है फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, तो इट्स अ ह्यूज रेशो। और डिसलेक्सिक का मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती जाती हूँ कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिफिकल्टी, और इट्स अ बिग वाइड अम्ब्रेला, इसके अंदर आगे नीचे आते हैं डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ट्राफिया और ADHD भी इसमें ही आ जाता है अभी जो लेटेस्ट DSM-5 है उसके अंदर। तो डिस्ग्राफिया वो होते हैं जिनको लिखने का प्रॉब्लम होता है, डिस्प्रेक्सिया जैसे आप बहुत से बच्चों को देखते होंगे कि वो डायरेक्शंस नहीं बता पाते, टाइम नहीं बता पाते, मोशन का अपने लेसेस नहीं बंद करते, बटन नहीं बंद कर पाते, ये इस तरह की जिनको बच्चों को प्रॉब्लम है, बॉल आप थ्रो करें तो वो इमिजिएटली कैच नहीं कर पाएंगे, ये इस तरह की जो है ये डिस्प्रेक्सिया में आ जाता है। और आपको मैं एक मिनट के लिए मैं चाह रही थी कि मैं अनाउंस करूं, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लॉग इन होने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकते, तो मीटिंग लिंक तो वही है, आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे गेस्ट तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहरहाल कोशिश जारी रखें, और दिस इज समथिंग बियॉन्ड माय कंट्रोल, क्योंकि वही लिंक है जिस पे सबने लॉग इन किया है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप नहीं एंटर हो पा रहे तो प्लीज़ कैफे काम के फेसबुक पेज पे चले जाएं और वहां पे आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को देखें और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज्वाइन करें। सबीन आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, तो आपका जो पैगाम है वन लाइनर वो क्या होगा, जरा ये बताइए।
जाते जाते, क्योंकि कल आप जा रही हैं मदर्स डे की पिकनिक पे, उस बिजनेस के बारे में बताएं। ये बड़ा अच्छा इनका जी ट्रैवलिंग का एक मैं कहूँगी बिजनेस तो है या जो भी, लेकिन मेरे लिए तो ये एक एम्पावरमेंट का बड़ा जरिया है ख्वातीन के लिए खास तौर पे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने मदर्स डे पे एक पिकनिक रखी है। जी बताइए उसके बारे में। यहाँ पे मैं पहले ये गाइड करती जाऊं कि वो कैफे काम में के ए ए एम है, तो प्रॉबेबली उनकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो रही हो वो। हाँ, ये वाले से मैंने कैफे के बारे में बताया, जो अक्सर लोग कहते हैं रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा, मैंने कहा जब मैंने बनाया ही नहीं तो मिलेगा कैसे रेस्टोरेंट। तो ये भी है, तो जी ये कैफ है यानी मजा जॉय, ठीक है। अक्सर लोगों को जिनको समझ नहीं आती तो मैं कहती हूँ कतरीना कैफ वाला कैफ है भाई, ये कैफे काम है। तो बताइए। जी जी पासपोर्ट है ना आपके लॉग इन होने का, जूम लिंक का पासपोर्ट आपका कैफे काम है। सो इसका है कि KEAFEKAAM, ये आप लिखेंगे तो आप फिर आप पहुंच जाएंगे जूम लिंक पे, वो आपको रक्षंदा जो है वो आपको इन कर ले। तो ये बात पहले मैं कहना चाह रही थी। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो ये है ट्रिप, ये हैट्स ऑफ टू निगाह नजर साहिबा, गोगी स्टूडियोज वाली जो है, हमारे गोगी एक मशहूर करेक्टर है जो विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने इतना काम किया है, कई अरसे से किए जा रही है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, शी इज अ कार्टूनिस्ट। उन्होंने ये एफर्ट की थी और उन्होंने ये एक पर्सनल विसिनिटी है किसी की फार्म हाउस छतरबाग से आगे, वहां पर उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो हम आज ये एज अ वन डिश पार्टी जो है वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ऑल वुमेन मदर्स। और ये कल का है हमारा छोटा सा इवेंट होगा, हम 3 बजे तक यहाँ से निकलेंगे निगार नजर के घर से, हम वहाँ पे हमने सबको कलेक्टिंग गैदरिंग पॉइंट रखा है और वहां से हम सारे जाएंगे, सब लोग एक एक डिश भी लेकर आ रहे हैं। और फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक होगा, पानी है, स्ट्रीम है, उसमें पानी में बैठेंगे, 3 बजे जाएंगे, 7 बजे तक वापस, मतलब कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इट्स अ प्लेस जहाँ पर सुकून है, पीसफुलनेस है, आप थोड़ी देर के लिए दुनिया के हंगामों से निकल कर बाहर वहाँ पे सुकून में अच्छे एनवायरमेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दिस इज व्हाट एन आइडिया, और एक्सक्लूसिव टाइम होगा, मी टाइम जिसे कहते हैं आप, और जरूर होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी मदर्स डे, और एंजॉय योर पिकनिक। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि पब्लिक स्पेसेस में ख्वातीन और उनकी फैमिलीज और बच्चे और खुद सिर्फ ख्वातीन का ग्रुप जो है वो निकलें, और मदर्स डे तो जी है ही मेरा आपका और आप सबका, जो कि किसी ना किसी तरह माँ से तो रिलेटेड है, खुद अगर आप माँ नहीं भी हैं तो आपकी एक माँ है, और आप उस एहसास को समझ सकते हैं, उस रिश्ते को समझते हैं। बहुत शुक्रिया सबीन, मोर पावर टू योर वर्क, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ कि जहाँ आपने इतने सारे माशाल्लाह वेंचर्स अपने किए हुए, वहां पे एक है हमारी जो मदर्स डे के हवाले से आज आप ये अनाउंसमेंट अगर कर सकें या कुछ आपको समझ आए, तो ये जो हमारी मदर्स हैं, इन लोगों का एक जो कहते हैं ना पूरा पूरी जिंदगी का खुलासा, उन्होंने क्या किया है वो स्टोरीज अगर वो आके अपने आपके यूट्यूब चैनल पर अपने बताएं, तो ये बहुत एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये खजाने हैं पुराने, और जितनी हमारी माएं हैं, जितनी औरतें हैं, इनके पास इतनी नॉलेज है कि ये अगर सिर्फ अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें भी बताना शुरू करें तो आज बहुत सारे हमें अनोइंगली टोटके कह लें या गुर जिंदगी गुजारने के, ये हमें मिल जाएंगे उनके जरिए, और बहुत ये एक आपकी कहें कि ताहयात एफर्ट होगी जबरदस्त। ये मैं जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब मैं देखती हूँ कि क्या वजह है कि हमारे इतने ज्यादा जो गेस्ट हैं वो लॉग इन नहीं हो पा रहे, कोई एरर आ गया है, तो इसको देखते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम, और हमारे वो तमाम इनवाइटेड गेस्ट, और वैसे ये पब्लिक इवेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, शहनाज को मैं देख रही हूँ, तो वो ज्वाइन करें प्लीज़, वो अपनी ऑथेंटिकेशन ऑफर करें, उसके बगैर नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारी बहुत ही खसूसी मेहमान, वैसे तो तमाम मेहमान खसूसी हैं, वो मुझे नज़र आ रही हैं, शहनाज बुखारी जो कि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और शायद नई नस्ल के लोग और जो फेसबुक यूज़र्स हैं ज़्यादातर, जो कंज्यूमर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे देखते हैं एक्टिविज़म को, ख़वातीन के हवाले से काम को, शायद वो सोच रही है कौन हूँ, तो उनको मैं बताना है कि ये तो मेरे भी मेंटर्स में से हैं, मुझे 30 साल हो गए, और उस ज़माने में, बहुत साल पहले की बात है, पिछली सदी की बात है सचमुच की, कि बहुत कम औरतें निकलती थी, औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाना जुर्म समझा जाता था, और उन्होंने बहुत ही पेचीदा मसाइल पे, खास तौर पे औरतों के जलने के जो वाकयात थे उसके हवाले से बहुत ज्यादा काम किया। एक तवील अरसा उन्होंने पाकिस्तान की खवातीन के लिए बहुत ज्यादा कई जहदों में काम किया, और आज वो हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं। आई होप उनका कनेक्शन मिल जाएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही। शहनाज बुखारी, मैं चाहूंगी कि आपकी वीडियो मुझे नजर आए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, एक सेकंड, मैं देखती हूँ स्टार्ट वीडियो। हाँ जी, अब कैसी है आप? और बहुत मैं जब तक आप अपनी वीडियो को सेट कर रही थी तो मैं यही बता रही थी कि भाई जो शहनाज हैं वो कौन हैं, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना वो तो यही देखते हैं कि ओहो इनकी ट्विटर पे फॉलोइंग किधर है, आपके फेसबुक पे फॉलोइंग किधर है, कहते हैं आपको तो फेसबुक वेरीफाइड भी नहीं है। मैंने कहा भाई लेकिन मैं वेरीफाइड हूँ, मैं और मैंने वेरीफाइड लोगों को ही बुलाया, चूंकि ये बड़ा मसला है शहनाज, मतलब आपको भी अंदाजा होता होगा, आप तो अमरीका में हैं, कि अब तो यही हो रहा है ना कि पहले आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बने, ब्रांड बने, और फिर आपको इनवाइट किया जाएगा कि भाई अब आप खवातीन जो कुछ भी है, तो फिर उनको तो बाज दफा सुना है कि भाई लोग पेड भी होते हैं और उनको पैसे भी मिलते हैं, तो हम तो हमने तो जूते भी खाए, प्याज भी खाई और आपको वेलकम करके, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, और एक गिला भी करूंगी, गिला ये है कि आप हमारी मेंटोर थी और आपने हमें बताया ही नहीं कि पब्लिसिटी कैसे करते हैं और ब्रांड कैसे बनते हैं और अवार्ड्स कैसे लेते हैं और अपनी तस्वीरें कैसे खींचते हैं और अच्छी तरह तो हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि भाई हमने कुछ काम किया था, तो आप बताइए कि जनाब आपने इस दर्श की सयाही में ये जो निफ सदी से भी ज्यादा का किस्सा है, कुछ अपने बारे में, फिर आज मदर्स डे पे कैसे महसूस करती हैं, कुछ अपनी कहानी जहां तक कंफर्टेबल हम बताएं, कि ये जो समझा जाता है ना कि ये जो औरतें, मैं अक्सर फेसबुक पे कमेंट देखती हूँ, कहती फारिग औरतें इसीलिए एहतजाज कर रही हैं औरतों के हकूक के लिए, तो आप बताएं कि कौन सी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों के दुख को समझ के उनके हक के लिए आवाज़ उठाती हैं और अपना वक्त देती हैं और अपने बच्चों की भी परवरिश करती हैं, बताइए कुछ। अच्छा, मुझे आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही, मैंने इसलिए ऑफ की हुई है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ आपकी तस्वीर नजर आए इधर ही मुझे मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, वैसे आप मेरी तस्वीर देख ले, मैं वही हूँ कोई और ना हो, नहीं नहीं बिल्कुल मौजूद हूँ जनाब, आप माशाल्लाह यू आर द लीडर नाउडेज, माशाल्लाह माशाल्लाह डूइंग सच वंडरफुल वर्क और हम बहुत दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन ये कि हमेशा दिल के करीब रहे, बहुत मुझे बिल्कुल दिल के करीब रहे, बिल्कुल गो रोज बात हो ना हो, लेकिन ये है कि नो डाउट आप दिल के करीब हैं और आप लोग सब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरी मजबूरी, मेरे प्रॉब्लम्स इतने थे कि मुझे बाहर आना पड़ा, वरना मेरा बिल्कुल सच पूछे तो मेरा दिल
अभी तक आप सबके साथ धड़क रहा है हर वक्त। जरा कुछ होता है तो मेरा दिल बंद हो जाता है, भाई अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या करेंगे। लेकिन ब्रावो, यू पीपल आर वेरी अमेजिंग। आप लोग कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई कोना ढूंढ लेते हैं सामने आने का और इश्यूज को हाईलाइट करने का। माय ऑल हैट्स ऑफ टू यू। हम नहीं सुधरने वाले ना, हम नहीं सुधरने वाले। जब आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया तो हमारा फर्ज है ना कि हम आपके नक्शे कदम पे चलें। तो बस अब आपकी जो कहानी है, शहनाज की कहानी, शहनाज की जबानी, ओ माय गॉड, सच्ची कहानी मदर्स डे पे पाकिस्तान से अमेरिका तक। अमेरिका तक, सही कह रही हैं आप। बस जी, मैंने तो जब काम किया 1970 में शुरू किया, जब मैं अपने चार बच्चों को लेके पाकिस्तान वापस आ गई सऊदी अरेबिया से, तो आई वॉज अ सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट, और इर्द गिर्द इतने मसाइल थे मेरे अपनी जात के और मेरे औलाद के समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू करती, क्या करती और कैसे करती। अकेले होना और अकेले इतने काम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह की बड़ी मदद रही, अल्लाह का बड़ा करम रहा कि शुरू ही वहां से किया, क्योंकि आई हैड अ वेरी सॉफ्ट हार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लॉन्ग टाइम बिन, मेरे बचपन से कह लें कि मैं औरतों का, लड़कियों की बड़ी मदद करती थी। वहां से ही हुआ, और मरगला थाना के सामने रहती थी, तो बीबी रोज मरगला थाना में लड़कियां, आवाज बंद हो गई आपके, आइडियल जगह पे रही हैं आप और हम भी कचहरी सुपर आइडियल जगह थी कि हर वक्त मसाइल के सामने और हर वक्त मेरे घर के आगे वो थाने से कुछ ना कुछ हुआ होता था। लड़की को रेप कर दिया थाने में बैठ के, किसी को किडनैप करके आया तो वो जो किडनैपी थी बेचारी उसके साथ वहां पे और भी ज्यादती हुई, और भी जुल्म हुआ। वो हुआ ये कि फिर वहां पे क्योंकि सामने ही वो एडवोकेट से और कोर्ट भी वहीं पे था, तो वहां से कोई जान पहचान वाले वकला, आई एम ग्रेटफुल टू देम के दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्पिंग, उनमें से कोई केस भेजा था, देखे जी इस लड़की के साथ ये थाने में ये हुआ, फला जगह पे ये हुआ। बस जी वहां से फिर तो वो एक चल सो चल का सिलसिला था। और आधी रात को जब मैं किसी लड़की को बेल आउट कराने के लिए थाने जाती थी तो कहते मुंह खुल जाते थे, पागल औरत है किधर आ गई आधी रात को, वो मेरे खड़े पे वहां बाहर सामने, मैडम तुसी इत्थे कित्थे आ गए हो, की करना है तुसी, जाओ जाओ सवेरे आना। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई नहीं खांदा बाबा, तू फिक्र ना कर बेटा, मेरा बेटे कहने से जरा थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता मसला। अच्छा बीबी बताएं कैसे आई है, तो मैंने कहा वो मुझे बात करा दो ऐसे चौसे, वो लड़की का मसला है। अखबारात की बड़ी मेहरबानी, मीडिया हैज प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल, उन्होंने जो मैं केसेस को हाईलाइट करती थी वो मीडिया में, अखबारों में आना, अखबारों में आना उससे बहुत ये कि इट जस्ट क्लिकेट लेट। वैफ की मेंबर थी, अफसर मीटिंग में रहा ही होती और थी। आप बेनजीर साहिबा के साथ उनकी आप मुशीर थी, ठीक है, पता नहीं आप में से किसी को ऑब्जर्वर को याद हो कि एक केस आया था ज़ैनब नूर का। मैं उसी तरफ आ रही थी कि वो जो कारी साहब ने जो किया था, क्योंकि उस वक्त मैं सर्जरी में थी, सर्जिकल यूनिट में, पेम्स में, और आपको पता है कि उनकी कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी और फिर कोर्ट भी जाना पड़ता था। और ये किस्सा मैं अक्सर वर्कशॉप्स में बताती थी कि हमारे डॉक्टर्स जिनको क्रीम कहा जाता है, नो डाउट, लेकिन वो जो बायसेस हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता, तो वो भी बात करते हुए मेल ज्यादातर होते थे कि देखो ना इस औरत ने कुछ तो किया होगा, कुछ तो उस वक्त मैं कोई जेंडर वही तो बात है कि जिन जिन मामलात पे अल्लाह ने पूछगछ करनी है उस पे हम पूछने लगे, और जो हमारे जो जिम्मे था कि कौन भूखा है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई इन शेल्टर लेस है, तो वो कहते हैं भाई ये अल्लाह जब चाहेगा तो हो जाएगा और ये आप बस सब्र करें और शुक्र करें, है ना।
तो वो जो के फर्श थे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, तो वो तो बहुत ही, और उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि फिस्टुला जो है ये क्या होता है, अभी भी नहीं पता, सिर्फ बस उस पे अभी भी नहीं पता, बहुत सारों को अभी डांस ड्रामा वही आपको पता है ना, सेरेमोनियल जो हमारी है, और मैं ऐसी बातें करती हूँ, फिर लोग नाराज होते हैं, फिर कहते हैं रोती क्यों हो तुम्हें, कोई कंसल्टेंसी या जॉब क्यों नहीं मिलती, भाई कैसे मार्च जो आज आप लोग सब लोग इतने शोर वोल से और इतने हंगामे से और इतनी शान से मनाते हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं नीलोफर बख्तियार, नाहिदा महबूब अलाई, वेरी ओल्ड बॉय, अल्लाह बख्शे उसको, अल्लाह बख्शे उसको, मतलब मैं तो ये आप लोग है ना, मैं तो इनको जंग के सफ़े पे देखती थी, वो याद है ख्वातीन का सफ़ा, और फिर वो डिबेट्स और ये सारा कुछ होते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने भेजा उस वक्त वो 8 मार्च का दिन, उस दिन लॉयर ने वो जो हमारे उस वक्त के जो वजीर साहब थे, वजीर थे विमेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और एक दिन की छुट्टी मंजूर की उस दिन के दिन। तो नीलोफर मैं, नाहिदा, फौजिया सईद, ये सब लोग बहुत खुश थे कि हमने बड़ा बहुत बड़ा मार्का मारा, और उस वक्त तो वाकई मारका था वो, उस वक्त तो वाकई मारका था। मुझे एक बहुत बचपन की याद है, उस वक्त मैं आईसीबी में पढ़ती थी, जूनियर साइड पे थी, इसका मतलब है जो कि लड़कियां तो वहां पे क्लास 5th तक होती थी, कि सब औरतें भागी भागी, मेलोडी के पास ना सिनेमा होता था, तो पता चला कि आज 8 मार्च है तो मुफ्त में फिल्म देखनी है, मुझे याद है हमने बाजी जाके देखी थी, और मैं कहा देखो कैंडल लेके खड़े होते थे, और अब कहने को अब क्या है, सिर्फ मुझे तो मुझे पता है कि जो यंगर कॉलीग्स है और बहुत नामी ग्रामी एक्टिविस्ट है वो सारी शायद नाराज हो जाए, लेकिन देखिये बात सलीके से भी तो कहनी होती है, काम ग्राउंड पे सिर्फ कन्फ्रंट्रेशन में इतने आगे निकल गए हैं कि सिर्फ कुछ बातों पे तवज्जो दे रहे हैं, और वो जो एक आम औरत को भी जो एहसास होता था कि आज 8 मार्च है, चलो सिनेमा में फिल्म ही मुफ्त में देख ली, यू नो वो जो थोड़ा सा एक कहमा, तो वो जो ओनरशिप जो डेवलप की थी वो नहीं, अब क्या है कि एलिट्स का एक ग्रुप आ गया है और वो कहते हैं हम है ना, हम रिप्रेजेंट आपको करेंगे, सारे जार्गन्स वो एक ही लाइन में बोल देते हैं, तो क्या किया जाए, आप भी चली गई ना अमेरिका, तो बस मैं बस मेरे अपने बड़े फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है, लेकिन उसकी वजह से चलना मुश्किल। ऑन अ लाइटर नोट, हम लोग अमेरिका से भी मशीर मंगवाते हैं, तो प्लीज आप आ जाए। बस बस ऐसा ही होगा, अब तो अमेरिका के मशीर जो है वो सबके साथ आने को तैयार खड़े होंगे। नहीं नहीं हम भी चले, ठीक है। अच्छा तो अब आप बताएं कि माओ के आलमी दिन पे सारी माओ को, खासतौर पे पाकिस्तानी माओ को आपका क्या पैगाम है? सारी माओ के लिए मैं कहती हूँ कि माए, वी कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड फॉर देयर अप्रिसिएशन, वो तो दे आर ऑल फुल ऑफ अप्रिसिएशन। A woman, a mother, is the representative of God on earth, I think. It's my opinion. मैं इसको कहती हूँ कि खुदारा कमजोर होना बंद कर दें आप, कमजोर एक्ट करना, कमजोर सोचना कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपसे तो दुनिया कायम है। ये आज बड़े बड़े मेल शोवनिस्ट जो बातें करते हैं, ये कौन है, ये कहाँ से पैदा हुए, दरख्त से तो नहीं गिरे, एक औरत ने पैदा किया इनको, एक औरत ने इनको पढ़ाया लिखाया, यहां तक लेकर आए जहां आज उसी को पत्थर मारते हैं, उसको जलाते हैं, उसको मार डालते हैं, और उसकी बेइज्जती जगह जगह उसको दरबदर करते हैं। खुदारा अपने मुल्क की आधी आबादी को इज्जत दें, वो आपके एक वाइटल पार्ट हैं, उनके बगैर आपका मुआशरा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इतनी इज्जत दें, वो आपके बच्चों की माएं हैं और वो इस मुआशरे को सुधारने में एक बहुत जरूरी अहम रोल अदा कर सकती हैं। मैं तमाम माओ को, सिंगल मॉम्स को खास तौर पे, जो तो आप, ये बात मैं आपसे करने लगी थी कि देखिए अमेरिका को मतलब जाहिर आइडलाइज करते हैं, बहुत जबरदस्त मुल्क है, लेकिन औरत की हालत तो दुनिया के हर मुल्क में ही कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ये और बात है कि हमारे जैसे मुल्कों में जरा ज्यादा सूरत हाल खराब है, लेकिन सिंगल मॉम्स जो है, सिंगल मॉम्स जो हैं, जितना मुझे अमेरिका का पता है, वो वहां भी कोई इतनी ज्यादा उनके लिए कोई प्रिविलेज सिचुएशन नहीं है। मैं तो यही पता आपको बताने लगी, पाकिस्तान में क्या हाल होता होगा, यही जब यहाँ आके देखा कि एशियन औरतें तो बिचारी 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 करते करते नजर दौड़ाई तो अमेरिकन औरतें हमसे ज्यादा पिस रही हैं।
वो तो ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती उनको इक्वल राइट है, और वो इस इक्वल हाँ राइट में भी उनको इतना डिमोरलाइज करते हैं, उनको इतनी अब्यूज करते हैं कि वो उफ भी नहीं, वो कहते हैं ना उफ भी नहीं कर सकती बेचारी। हाँ और वहां पे फैमिली का भी सपोर्ट, जिन फैमिली से हम लोग काफी है ही तंग भी आ नहीं, जाते है हैं, ही लेकिन चलो यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो गिवन होता है कि नानी दादी मतलब यही है ना कि वो पाल लेंगी, अब तो मतलब साथ में ये हेल्प है वहां करेंगे। पे तो हाँ वो बेचारी वो प्रेयर ब्रेक लें तो फिर बच्चा मतलब प्रेयर खराब और उसको कौन बिल्कुल पाले, लोग बड़े बिल्कुल खुश होते हैं जी बिल्कुल डे केयर है, बिल्कुल डे केयर का खर्चा कौन लेना। उठा सकता है। और तो कुछ बताइए कि अगर आपको पाकिस्तान को मशवरा देना हो कि यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा हालात खराब हैं, और ज्यादा खराबी इस बात पे भी है कि जितनी खराबी है उसको लोग अभी भी चैलेंज करते हैं कि नहीं ये फंडेड गुफ्तगू आप लोग करते हैं भाई, मेरी तो कोई ना एनजीओ ना मुझे जब थी भी तब भी कोई फंड्स नहीं मैंने देता था तो और अभी लगभग भी नहीं, तो आप बताइए लगभग क्या मशवरा आधी हो। सदी, मैंने तो आधी सदी औरत को हर तरह से अब्यूज से देखा और बचाया, जो कर सकती थी, जो हमारे बस में था, जो सब दुनिया को जगा के दिखाते थे। तो मैं समझती हूँ कि वो जो उस वक्त 20 साल पहले शेल्टर होम शुरू किए थे, आज वो 20 साल के बाद कहीं की कहीं पहुंच जाते, उसको हमने उसी वक्त खत्म कर दिया उसको हमने। अब आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जो उस औरत को बचाए, जिसको वकील भी रेप करता है, जिसको वकील के जो दाएं बाएं लोग हैं वो भी उसको अब्यूज करते हैं, और सिस्टम तो उसकी वैसे ही, खामन तो वैसे ही कहता है कि इसकी टिक्का बोटियां बनाएं और वापस कर दें, हमारे बच्चे हमें दे दें, हमारे क्या कुत्ते ने पैदा तो नहीं किए थे ना भाई, उस औरत ने पैदा किए थे बच्चे, कहां से लेकर अच्छा आए बस थे बच्चे ये है तुम। कि बच्चों की कस्टडी पे वो भी औरत को टेंशन देने के लिए ना, क्योंकि खर्चे का ठीक है लॉस कुछ अच्छे हो गए हैं कुछ स्पीडी जस्टिस होता है, लेकिन वही बात है ना कि अदालत तक औरतें पहुंच कहाँ पाती हैं, हम जैसी पढ़ी बहुत लिखी मुश्किल है, औरतें भी, हम लोग तो फना बल्कि ज्यादा घबरा जाते हैं जो गांव ज्यादा की या घबरा जाते जो हैं। हमारी जिसे कहते हैं ना हमसे कहीं कम प्रिविलेज्ड हैं, यानी मैं अपनी मेट को तो लेके शायद जा सकूं कोर्ट में, लेकिन मैं खुद अपने एक मसले के लिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, क्योंकि भाई कुछ उसकी बड़ा और मेरी मुश्किल काम है, वल्नरेबिलिटी बहुत का जो मुश्किल। है यहाँ पे अमेरिका में रह बहुत ही के मुख्तलिफ है सीन। मेरी बेटी के बच्चे, मेरी बेटी को अब्यूज किया गया, मेरे बच्चे उससे, उसका बच्चा इकलौता कोर्ट ने छीन के उसके हस्बैंड को दे दिया, और एक नहीं बेशुमार केस हैं यहाँ पे, कोर्ट्स भी पार्टिजन हैं। वो तमाशा पाकिस्तान में खाली नहीं है, इंडिया में नहीं है, यहाँ पे भी हर है, जगह है ना, मैं तो यही हर कहती हूँ कि जगह है। पूरी दुनिया पेट्रियाकल है भाई, मिसोजिनिस्ट, जब मैं वही बात है जब ये सारे लफ्ज अंग्रेजी के हैं तो उन्हीं माशरों में ये सब कुछ होता है, सिर्फ क्योंकि ये उसके है उसके बेटा उससे मेजर डिफरेंसेस है ना, मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि फाइनेंशियली शी हैज जीरो फाइनेंस, कि एजुकेशन पुअर थिंग, शी इज वेरी इनएजुकेटेड एंड शी कैन नॉट गो टुवर्ड्स द कोर्ट सिस्टम, द सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां उसको रिप ऑफ कर देते हैं उस बेचारे, और बिल्कुल अगर बच्चा किस्मत से मिल भी जाए तो खाना कैसे खिलाएगी उसको। तो ये जो मदरहुड पेनल्टी है ना जो कि वर्क प्लेसेस पे तो हम कहते हैं सिर्फ करियर ब्रेक, मुझे लगता है कि उफ मुझे डर लग रहा है, आप तो अमेरिका में मुझे यहाँ पे कुछ खैर क्या होगा कोई अब ज्यादा जिंदा रहने अल्लाह का शौक भी खैर नहीं है, नहीं कि देखे माँ होना जाहिर है लोग लोग मजहब का हवाला देते हैं भाई, मजहब में कोई खराबी नहीं है, खराबी हमारे अपने किरदार और एक्चुअल कंडक्ट पे है, माँ को इज्जत दो औरत को इज्जत दो वो आप लोग देते ही नहीं है, कोई नहीं देता, इतनी नाइंसाफी होती है, पेनल्टी यानी माँ होना एक सजा मुझे बाज दफा लगता है, बच्चा अगर कोई जरा सी गलती करे उसमें भी माँ का कसूर, औरत माँ का पिटती कसूर। है तो भी वो अच्छी औरत नहीं होगी तभी तो पिटती है, अच्छा ये भी होता है लोग कहते हैं वो तो हाँ बड़े अच्छा वर्क प्लेस पे जाओ हैरेसमेंट की बात करो तो कहते हैं वो साहब तो बड़े शरीफ है वो कैसे, मैंने कहा भाई मैं कोई उनसे बदमाशों के साथ में काम करती हूँ, जाहिर है अगर मुझे कभी कोई शिकायत होती है मैं या कोई और उनको उन्हीं लोगों से होगी, फिर वो ले आते हैं ओ आप लोग तो सिंगल पेरेंट्स है मॉम्स है वो तो साहब बड़े अच्छे हैं उनकी तो बड़ी खूबसूरत बीवी है उनके तो बच्चे, यानी वो उनकी आप शराफत तो की बड़े दलील अच्छे हो हैं, गई। खराबी सारी हाँ साहिबा में ही हाँ होती है, आप अब कहीं भी चल जाए कभी नहीं मेरे मिलेंगे कि जैसे तो वो। गई, हमारे बाल कटे हुए हैं सिंगल पेरेंट हैं और बहुत से और मतलब स्टिग्मास हैं और बड़ी तो वोकल शायद है, और बड़ी वोकल है, देखो जी वोकल गलत भी है, कर आपकी दिया, तो जुबान ही ऐसी है तो इसमें जबान मुझे ही बड़ी याद काटने वाली है है आपकी। अच्छा और बड़े मजे की बात है शहनाज के ये जो पेट्रियार्की है ना
ये औरतों में भी पाई जाती है। मुझे याद है कि मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ तो मेरे वाले साहब पीएचडी का भी मौजू है, तो एक खातून में उनका नाम नहीं ले सकती, तो उन्होंने इस तरह का क्वेश्चनर भेजा कि जी मैं उनके पर पीएचडी कर रही हूँ, जो तकरीबन मुझे लग रहा था आधी पीएचडी मुझे करनी है। मैं जाहिर है डिप्रेस और घर के अपनी जिम्मेदारियां, मैंने कहा जी मेरी मदर से बात कर ले, मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी वो आजकल अच्छा पाकिस्तान में होता है कि बहुत कम रिसर्च लोग आगे करते हैं, पीएचडी जो करते हैं जिस सब्जेक्ट में भी करें माजरत के साथ वो वही किताब छपाते रहते हैं सारी। तो उन्होंने अपनी छपाई और अपनी हसीन सी तस्वीर डाली तो मेरी अम्मी को भेजी कि उन्होंने उसको सपोर्ट किया था उनके रिसर्च को। जब मैंने पढ़ी तो उसमें जो चैप्टर मेरे वालिद साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में था तो उसमें लिखा कि सबकी कि उनकी अहलिया ये हैं और मेरे बाकी बहन भाइयों का जिक्र, और लिखा कि उनकी जो बड़ी साहबजादी हैं डॉक्टर अक्षंदा वो बहुत ही बदमिजाज और मुंहफट है, गालिबन इसी वजह से उनको तलाक भी हो चुकी है। मैंने कहा ये पंजाब यूनिवर्सिटी की पीएचडी है, डिस्टिंक्शन भाई उर्दू अदब में, मैंने कहा इस कदर बेअदब बेअदब लोग। लेकिन मतलब मैं आपको एकेडेमिया का हाल बता रही हूँ, तो सोचें कि जो बस स्टॉप पे होंगे और जो वैसे होंगे वो क्या सोचेंगे। तो मेरे दिल में ये बात 20 सालों से थी, वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए 20 साल हो गए, कि देखें ये सूरत हाल है, औरतें औरतों को कितनी अच्छी तरह माशाल्लाह डिफेंड करती हैं, हैशटैग सिस्टरहुड के आगे कुछ है ही नहीं। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहिए, हमारी दो बहुत ही जबरदस्त सी खवातीन हमारे साथ आ गई हैं, शमाम खान और नौरीन फरहान, आई वेलकम देम। प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें शहनाज, अभी अगर आप कंफर्टेबल हैं, थकी हुई नहीं है तो आप बिल्कुल साथ रहें और बीच बीच में और जो मर्जी केक्स और दुआएं और नौरीन और शमाम, मुझे आप नजर तो आ रहे हैं, मतलब ज्वाइन तो आपने कर लिया लेकिन आपके वीडियोस नहीं आ रहे, प्लीज ज्वाइन अस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रक्षंदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इट हैज बीन एजेस, हैप्पी मदर्स डे माय डियर शमाम, और बताओ कि तुमने तुम्हारे दिल में रहम कैसे आ गया कि तुम आज आ जाओ, ये मुझे पता है कि तुम मसरूफ हो लेकिन फिर भी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, शुक्र है। और नौरीन आ गई, नौरीन से टाइम देना बहुत शुक्र है। तो शमाम से पहले बात करेंगे, वर्किंग मॉम, सिंगल मॉम, पता नहीं मुझे ये छुपाना तो नहीं था, अच्छा ये भी होता है कि छुपाना भी है, कुछ लोग कहते हैं मैं कंफर्टेबल, अच्छा ठीक है मैं तो वही बता। और फिर नौरीन से हम जरा बात करेंगे कि वो खुद तो जबरदस्त काम करती हैं लेकिन कुछ उनसे स्पेशली जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से भी हम काम बात करेंगे। जी जी, तो शमाम जरा शुरू हो जाइए अपनी कहानी। हेलो, जरूर, थैंक यू डॉक्टर रक्षिंदा। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि मैं क्यों आ गई हूँ, इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए मदर्स डे पे व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस सेशन इज के सिर्फ हमने सुनना नहीं था, वी हैड टू पार्टिसिपेट, दैट वाज सच एन अमेजिंग थिंग कि आप एक इंटरेक्टिव माहौल में, चूंकि मैं ये बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि हम जब हम किसी औरत को दिखाते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो शी हैज टू बी अ सेलिब्रिटी, या तो वो एक्टर हो या फिर वो कोई स्पोर्ट्स में हो, कॉमन की बात नहीं करते हैं जो मैं और आप हैं, एंड वी हैव सो मच टू से और शेयर, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी सेलिब्रिटी के हो नहीं सकते बिकॉज वो तो फिर एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर देंगे। जी, तो वो मुझे लगता है वो जाहिर है उनको अपनी ऑडियंस बनानी है, डायलॉग्स बोलने हैं, कुछ जार्गन्स यूज करने हैं, और शायद उन्होंने वो उतना कुछ फेस भी ना किया हो जितना उन्हें स्टोरी बनानी पड़ती है। तो स्टोरी, क्योंकि आज के दौर में स्टोरी टेलर होना जरूरी है, चाहे आपने, और ये बात बड़ी माजरत के साथ कुछ लोग कहेंगे अंगूर खट्टे, जो कि अभी हम शुरू में यही बात कर रहे थे कि अब तो कोई बात करो तो वो कुछ नहीं सुनते कि आपका आप कौन है, आपका सीवी क्या, आपके ट्विटर पे कितने फॉलोइंग है, फेसबुक का अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब उस लिहाज से आपकी औकात डिटर्मिन होती है और फिर आपको जो है उसी तरह से आप ट्रीट किया जाता है, और आपकी शक्ल जो मतलब नथिंग अगेंस्ट जो हमारी टॉप हीरोइंस हैं वो, लेकिन यूएन का भी तो मैं जरा सा नाम ले लूँ ना, क्या होगा मुझे अब
कि वो भी तो सिर्फ एम्बेसडर्स, मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी मेरी जैसे गोल मुंह वाली को, मैं अपने आप को नहीं कह रही, या जो वजन आपके लिए आपको वर्ल्ड मिस वर्ल्ड नहीं बना सकता, उस तरह की खवातीन को आपने जो है कभी ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया हो। आप लोग बातें करते हैं बॉडी इमेज, शहनाज अभी आपको तो पता है यहाँ तक किया है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कैंपेन जो थी जहेज के खिलाफ जंग, वो तो उन्होंने खैर अपने उससे की, उसमें मुझे इनवाइट तक नहीं किया, हाईजैकिंग तो हुई यहाँ पे, इसलिए चूंकि मदर्स डे और ईद का भी वीक जा रहा है, शादियां भी हैं, जो वो कैंपेन कर रहे हैं उसमें टॉप के डिजाइनर्स को रखते हैं जो कि वो लैविश वेडिंग को दिखाते हैं, और वो पता नहीं जहेज के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं। तो हमारा तजादात का शिकार है ना, तो आप बताओ शमाम के आपको अच्छा लगा ना कि हमारे जैसी औरतें जिनकी फॉलोइंग नहीं है, जो स्टार्स नहीं है, लेकिन वो इस तरह से अपनी कहानी सुनाए ना, और बताइए फिर क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, थैंक यू डॉक्टर रक्षिंदा, बिल्कुल यही बात है। और हम तो ऐसा भी होता है ना कि जब हम लाइफ को लेके चल पड़ते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था, किस किस तरह हो रहा था, बिकॉज यू हैव अ गोल कि अच्छा लाइवलीहुड आपने देखना है, आप अच्छा जॉब कर लें, ज्यादा से ज्यादा एक एज आती है जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, एज अ सिंगल मदर अगर मैं देखूँ कि मेरा बच्चा जब बड़ा होने लगा, टीनेज में आने लगा, मुझे ये फील होने लगा कि ओ अच्छा अब इसकी तो लाइफ अपनी हो रही है, तो फिर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि चलो ट्रैवल करते हैं, चलो ये ट्रैवल इज माई पैशन, तो हम इस तरह से निकलते हैं बाहर, अदरवाइज हम तो भूल भूल के आगे बढ़ते चले जाते हैं कि बस जो काम हम करें वो अच्छे से होता जाए, बचे अपने लिए तो कुछ भी नहीं सोचते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक जो बीइंग अ सिंगल मदर, एक चीज जो बार बार जहन में आती है वो ये कि एक तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, और मैं बहुत अपने अम्मी अबू के लिए और बहन भाइयों के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अगर ये फैमिली यूनिट ना हो ना तो सिंगल मदर कुछ कर ही नहीं सकती, ये मैं बहुत आराम से बात करती हूँ। अगर एक औरत हो ना तो नहीं कर सकती वो, तो ये हमें समझाने की बहुत जरूरत है कि अगर किसी लड़की के साथ मिसाफ हो जाता है तो एक तो डरते हैं लोग ना वापस आने में, कितने लोगों ने शुरू में यही बताया कि पैचअप कर लो यार, पैचअप कर लो, हो जाता है, भाई नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ पा रही बात, तो आपको खुद ही रहना है ना। लेकिन माय फैमिली केम विद मी, सर नहीं हो रहा छोड़ो, एक बच्चा है अभी, कल 10 बच्चे होंगे, मसला ज्यादा पड़ जाएगा, आज कर लो, करने दो, हिम्मत करो। तो ये चीज हमारे यहाँ बीइंग अ सिंगल मदर मैं बहुत फील करती हूँ कि जो बेचारियां माएं यू नो कितनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कितनी सेक्रीफाइसेस दे कर रही है सिर्फ इसलिए कि बच्चों को पालना है उन्होंने, यू नो हस्बैंड जैसा भी है, माहौल जैसा भी है, हमारे सोशल सिस्टम में तो हस्बैंड को भी फीड कर रहे होते हैं ना उनके जो पीछे से फैमिली होती है, हमारे यहाँ तो ये गलत बात है, हमारे रिलीजन में नहीं है, हमारे रिलीजन में है कि बेटी को अलग दे दो, है ना, उसको शादी करो, उसको अलग दो, वो फैमिली है। हम सोचते हैं नहीं जी, हमने बच्चे को इतना बड़ा किया था तो अब तो ये का टाइम आ गया, तो ये दूसरी कैसे आई। तो मैं देखती हूँ कितनी खवातीन निकलना चाहती है लेकिन वो नहीं निकल पाती। तो बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ सिंगल मदर, ये बहुत मतलब कि मेरे लिए तो बहुत ही हर 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 स्टेप पे मुझे ये फील होने लगा कि अगर मेरी फैमिली साथ ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत शुक्रिया आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं घड़ी की तरफ भी देख रही थी और साथ साथ ये भी बताऊं कि तकरीबन हमारे 5 और ऐसे गेस्ट थे जो किसी भी वजह से अभी लॉग इन नहीं हो रहे, लेकिन अब ये फैक्टर बियॉन्ड माई कंट्रोल है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन्होंने ज्वाइन करने की एफर्ट की और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सबीन का हाथ खड़ा हुआ है, सबीन अपनी बात आप मुकम्मल करें और फिर मैं नौरीन से चाहूंगी कि वो अपना मैसेज जो है तैयार रखें और जो है वो फिर मुझे बताएं कि वो क्या कहना चाहेंगी। जी सबीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई एम सो सॉरी, मैं समझी कि मेरा शायद माइक खुला हुआ है और मैं तकरीरें करती रह गई इतनी देर।
ठीक है जी। और हमारी दो तीन मदर्स जो हैं वो हमें चैट पे बता रही हैं कि जी वो अभी बच्चों के साथ खेल रही हैं और कोई खाना पकाने। अच्छा ये भी बात होती है ना डॉक्टर अचिंदा, हम सब मल्टीटास्किंग है ना अभी, ये मल्टीटास्कर्स हैं कि टेढ़ी टेढ़ी पावर पॉइंट्स पे प्रेजेंटेशंस दें और बहुत ज्यादा पढ़ें, बातें करें, फिर काफी सारे, खैर मैंने तो रिजेक्ट किया, लेकिन बहुत सारी अच्छी खवातीन हैं और बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के भी अच्छी खवातीन हैं जो ये सब कुछ करने के बाद घर जाके गोल गोल रोटियां भी पकाती हैं और फिर मेरे जिस पे बड़ी तनकीद होती है कि उसको देखो, उसकी डिग्रियां भी तुमसे ज्यादा हैं, उसकी शक्ल भी ज्यादा अच्छी है, उसकी कुकिंग तुम देखो, असल चीज जो है ना कुकिंग पे होता है कि उसकी और उसका सबर। एक छोटी सी बात मुझे गोल रोटी से याद आई, इफ आई मे जस्ट ऐड के जब थोड़ा सा बड़ा हो गया मेरा बेटा तो मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कभी गोल रोटी नहीं खिलाई ना ताजा रोटी खिलाई, यू नो आई वॉज वर्किंग और मेड होती थी, मेरी मदर होती थी देखती, तो मैंने उसको कहा इस तरह, मैंने कहा बेटा यू फ्रेंड, अब मुझे पता है कि खवातीन इस चीज को बड़ा प्राउडली बताती हैं कि जी अभी मैं घर जाऊंगी और मैं ताजा रोटी डालूंगी तो मेरी फैमिली खाना खाएगी, यू नो एंड दे यू नो ये भी एक अजीब मसला है कि दे फील प्राइड इन इट कि जब तक मैं ताजा रोटी नहीं डालूंगी वो लोग नहीं खाएंगे। तो आई थिंक टॉक टू माई सन आई सेड कि मैंने तुम्हें ताजा रोटी ना खुद तो बना के खिलाई नहीं, कभी सीखा ही नहीं ना बनाया तुम्हारे लिए, तो तुम मुझे कभी कुछ कहोगे तो नहीं, सोचोगे तो नहीं, इसे रहने दे, खाना भी आप ना ही बनाया करें, हम बाजार से ऑर्डर कर सकते हैं, आजकल बहुत कुछ मिल जाता। तो दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, पेरेंट्स सिंगल मदर को सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छी बात की और यू डेयर टू यू नो शेयर इट, क्योंकि मैंने देखा है और कि औरतें अक्सर ये बात बताती नहीं है, क्योंकि छुपाने का होता है, जो होता है लोग क्या कहेंगे, मार पड़ी तो ब्लश ऑन लगा दिया, कुछ और हुआ तो कोई और बहाना कर दिया, एज अ डॉक्टर सब औरतें पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गिरती रहती हैं बाथरूम में, और फिर वो जो इशू है कि चूल्हे जो हैं सिर्फ ससुराल में जाके ही फटते हैं, हालांकि बचपन से ही किचन के काम कुछ ना कुछ तो कर रही होती हैं, तो ये सब कुछ होता है, और लेकिन वो जो छुपाती हैं वो कहते हैं देखा ना जो सहती हैं तो वो बचती हैं, ये भी इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन जनाब मेरा तो ये है, मैं तो अब आप कहने शेमलेस हो चुकी हूँ इस मामले में, मैं तो कहती हूँ मुझे जिन जिन से प्यार है उनको मैंने कभी भी खाना बनाकर नहीं दिया, क्योंकि मैं इतनी बुरी मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि वो मेरे हाथ का खाना खाए। लेकिन अगर आप कुछ बोल सकें तो बोलें, अपनी वीडियो भी दिखा दें, बच्चे की आवाज आ रही है तो खैर है। नहीं एक्चुअली मैं ये डॉक्टर साहब ये जो थी हमारी कॉलीग उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बताई, मैं अरेंज मैरिज हूँ तो मुझे अंदाजा है, पहला सवाल होता था लड़के वालों का कि अच्छा बच्ची को खाना पकाना आता है, आपने उनको बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया लेकिन क्या वो किचन में रोटियां डाल सकती है, चले चाय की हद तक तो थोड़ा बहुत आता है लेकिन क्या वो खाना बना सकती है। तो ये बाकी बड़ा एक देखिए अफेयर में या लव में तो मुझे लगता है कि वो फिर वो कहते ना कि जो भी वो मोहब्बत अंधी वाला सीन होता है तो चले वो डिफेंड हो जाता है, लेकिन अरेंज में हम खवातीन के लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं चूंकि आई वॉज हैविंग दी अरेंज मैरिज तो मुझे अंदाजा है कि जब भी कोई विजिट करता था तो ये पहला सवाल अक्सर मुझसे पूछा करता था कि अच्छा आपको बेटा पढ़ाई के साथ जो है वो सिलाई कढ़ाई बुनाई भी आती है, आपको खाना पकाना भी आता है, तो रोटियां अच्छा हम जो है ना वो आपको लंच पे विजिट करेंगे बेटा, हमें आपके हाथ की गोल रोटियां खानी है और देखना है कि आप सालन कैसा बनाती हैं और इस तरह से। तो ये मेरे साथ मैंने बहुत बैर किया है अरेंज मैरिज में, मुझे बिल्कुल अंदाजा है और शुक्र है खुदा का कि फिर मेरी जिंदगी में फरहान जैसे आ गए जिन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया यानी अंडरस्टूड मी, और अब्बू ने जो है वो आखिरी में ताल दिखा दी कि बेटा मैं बहुत ज़ईफ़ और गंजा हो रहा हूँ, अब कर लो तुम 31-32 की होने वाली हो। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि 30-31 के बाद तुम्हें बच्चे नहीं होंगे और जो है वो तुम जल्दी जल्दी अब बच्चे करना, तुम छोड़ो जॉब, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है करियर के साथ और पढ़ाई के साथ, एजिज्म का भी बड़ा हो रहा है और एक सिर्फ औरतों की होती है, एक उनका बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है जी, बिल्कुल होता है,
तो वो जो एडेड बर्डन ऑफ ऑनर भी है उनके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और डिजीज भी, तो उसको भी समझना जरूरी है ना। तो वो कम उम्र की होनी चाहिए क्योंकि उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज ज्यादा है, और ना ही उनकी डिले हो सकती है। तो जो बीच में जो छोटा सा जो विंडो पीरियड है उसमें जनाब आपको पढ़ना भी है, गोल्ड रोटियां भी पकानी सीखनी है, और अच्छा भी लगना है, और पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा फेमिनिज्म के ऊपर है, बॉडी शेप कैसा है, बॉडी इमेज कैसा है, बच्चे के बाद चूंकि औरतें बेचारी जो है वो भूल जाती हैं या शायद वो ध्यान नहीं रहती। हमारे अभी एशियन मदर्स इतनी मासूम है कि वो बच्चों पे ही फुल टाइम अपने एफर्ट्स करती है, वो अपनी फिजीक और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस, अफेयर्स, कॉर्नर अफेयर्स और इस तरह के बहुत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डॉक्टर साहब बस बहुत सारे, स्पेशली ओबेसिटी के साथ बहुत सारे मेरे पास आती हैं औरतें और वो कहती हैं कि मेरा बॉडी इमेज अच्छा नहीं है, मेरे हस्बैंड में अट्रैक्शन नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करते, तो हम सेक्सुअल प्लेजर को जो है वो नहीं मेंटेन कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा सकता है मतलब हम खवातीन के लिए, और मुझे लगता है कि हम उसको किस दायरे में देखते हैं। तो मुझे भी अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बेशक हम इतने बोल्ड हैं, हम इतने एम्पावर्ड हैं, लेकिन चूँ कहीं ना कहीं जो है ना, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ भी, मेरा फ्रैक्चर हुआ था लास्ट को 3 months, मुझे आज अभी 3 months हो जाएंगे राइट, मेरा प्लास्टर होता है। एक कॉमन सा, चूंकि आई एम सिंस हेल्दी सिंस बचपन से, ठीक है, और मुझे लगता है मैं आप जितनी भी कसरत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ ना, तो मुझे ही लगता है कि मैं आप शायद कम होने वाली हूँ। मतलब आई एम फिट, मैं कहती हूँ कि इंसान की बस सेहत हो, उसके जिस्म जो है उसको नहीं देखना चाहिए। लोगों ने सबसे पहले मुझे पता ये कहा, तुम्हारा जिस्म जो है वो बहुत फूला हुआ है, तुम्हें कम फैलने की जरूरत है, फ्रैक्चर तुम्हें इसकी वजह से तुम ठीक नहीं हो पाओगी, और तुम्हारे बच्चे छोटे उनको कौन देखेगा। तो डायरेक्टली जो है वो बॉडी शेप पे जो है वो बात आ गई। बिल्कुल अच्छा, डॉक्टर ने भी जी, डॉक्टर साहब ने भी जो है वो ये कहा मुझे। तो मैंने कहा सर सिंस चाइल्डहुड मेरा यही चल रहा है और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसी तरह से उनको बताना था कि हमारे जैसी भी औरतें होती हैं जो साइज जीरो करीना कपूर नहीं बन सकती, लोगों को मैं बता रही हूँ। ये जो आजकल देखे, बीइंग अ डॉक्टर आई नो के आपको फिट रहना चाहिए, लेकिन ओबेसिटी में कोई मेडिकल इश्यू है, आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि औरत जो है वो ऐसी। अच्छा, अब जो आम औरतें, जो हमारे मतलब आम से मराते हैं कि हम अपने शोभों में शायद खासों कोई समझता है, तो लेकिन हम लोग उस फैशन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है। देखिए जब मैं टीवी पे आती थी तो जितना मेकअप और कंटूरिंग और ये सब कुछ करना, तो वो जरूरत, हालांकि मैं एक सोबर सा शो करती थी करंट अफेयर्स का, आज के वाले नहीं जिसमें बहुत ग्लैमर है और ड्रामा है, तो लेकिन उसके बाद जो हम लोगों की वर्क लाइफ है वो स्टार प्लस के ड्रामो जैसे, उसमें एनजीओ की खवातीन को दिखाते हैं कि बड़ी अच्छी तरह साड़ी और पूरा फुल मेकअप किया हुआ है, हमें था। तो वो जो है ना बॉडी इमेज की, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, और सो कॉल्ड फेमिनिज्म के नाम पर भी कि जी नो इट्स अ चॉइस। आपको याद है शनाज, अभी हम लोग एक वो कमर्शियल जो क्रीम थी उस पे कितनी हम लोगों ने सिटिंग्स की और कहा कि ये क्या आप लोग कर रहे हैं, तो अब वो दूसरी तरह से पैकेजिंग उसकी होगी, जी आपको अच्छा लगना, आपका हक है, आपने ग्लो करना है। तो किसी ना किसी तरह से आप ऑब्जेक्टिफिकेशन पे ही राजी हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको वही प्रॉफिट, मॉडल भी लाएंगे तो कहेंगे देखें जी ये तो मॉडल है, और कितनी मतलब जाहिर है उनका मॉडल वाला फिगर है, उनके 6 बच्चे भी हैं, तो अब सब परेशान हो जाते हैं, उनको ताने मिलते हैं, देखो मॉडल ये 6 बच्चे भी हैं, इसमें बड़ा भी है, तुम लोग क्या करते हो। उन्होंने कभी हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस सभी बड़ी मुश्किल से इस उम्र में आगे एक लाइव सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सेल करते हैं साले, बिल्कुल आपकी मार्केटिंग करते हैं विदाउट थिंकिंग दैट यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। नहीं, और इतना इस पे जो मेंटल हेल्थ पे होता है, आपको पता है ये जो एज है छोटी सी बच्ची की होती है, बच्चा हो गया आपकी अपनी जो अपनी हर का एक होता है बॉडी का, मियां जो है वो 70 साल का भी हो ना, तो उसको पता नहीं कि छोटी सी लड़की चाहिए। औरतें कह रही होती हैं, अच्छा घर में अच्छे अच्छे जिनको आप फेमिनिस्ट मर्द तो पता नहीं कम ही होते हैं, दो वेमेन कुछ होते होंगे, कि वो कहते हैं खाना पकाना अच्छा सीखो, वही जो बचपन से कंडीशनिंग के क्या है दिल तक पहुंचने का जरिया। हालांकि मैंने मेडिसिन अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे कोई मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा, ग्रेज एनाटॉमी पूरी मैं पढ़ती थी कि मुझे कि कहां से लिंक है ना। अच्छा, उसके बाद यही है कि मेंटेन करो,
और मर्द जो है वो जितना भी मतलब क्या मैं कहूँ, कोई खूबसूरती और बदसूरती तो एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन उनकी चाहे जिस तरह की भी जाहिरी शक्ल सूरत हो, और अच्छा औरत एक बच्चे की माँ के बाद उसकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है, ये भी मैं मदर्स डे पे बताना चाहूंगी। मर्द छह बच्चों के साथ भी जो है ना फ्लर्ट करते रहे, और मैं बहुत छोटा था, मेरी अम्मी ने जबरदस्ती पुप्पो की बेटी से मेरी शादी कर दी, जबरदस्ती की शादी में भी उनके छह बच्चे हो गए, और उनको कोई मिल अच्छा औरतें भी बड़ी हाय कितनी अच्छी है ना, इनकी वाइफ कितनी बुरी है, कितनी खराब उनकी शक्ल है, इतनी मोटी है, ये मैंने लड़कियों को कहते हुए सुना है। एंड यू नो मैन आपको तो पता ही है जनाजा भी हम लोग भी कहां कहां से गुजर के आए, और वो मर्दों को फिर वो आ जाता है फतवा कि भाई निकाह किया है शादी की है। सकता तो ये है ना कि डॉक्टर साहब औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं कर रही होती है, नहीं करती औरत जैसे हाँ सॉरी सर, जैसे ही अब वो फर्स्ट पीरियड्स आ जाता है बच्ची को जो है वो फैमिली जो है वो किस तरह से तैयार करना शुरू कर देती है कि अम्मी जो है वो पार्लर की तरफ लेके जा रही है, फिर किचन की तरफ उस बच्ची का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब वो एक बच्ची बेचारी क्या क्या करेगी, यू नो वो नीचे नहीं जा सकती, वो खेलने नहीं जा सकती, फिर आप उसको अलग अलग टोटके करा रहे होते बेटा तुम अपनी स्किन का देखो, बालों का देखो, रिश्ता अच्छा आएगा, तो ये इस तरह की चीजें जो है वो पहले से, या वो 12 साल की छोटी सी बच्ची उसको ये चीजें कैसे बताओगा, और जिसकी वजह से हम उसको शुरू से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और रहा सवाल आपने जो जहेज की बात की थी जो मैं सुन रही थी, और बाकी मैं अगर अपने इर्द गिर्द भी देखूँ ना तो लोग मुझे ये कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे पास बेटी नहीं है, वरना जब से वो पैदा होती है तो उसका जो है वो जहेज जो है वो जमा करना शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि जहेज आपका एक एजुकेशन होना चाहिए, जी एक एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी इल्म की कलम उसका हथियार होगी जो अपनी फैमिली को वो बैर कर सकेगी, वो अच्छी तालीम दे सकेगी बच्चों को, और बच्चों के फाइनेंशियल्स और इकोनॉमिक जो है वो उसकी एक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब रादर देन डेवलपिंग द जहेज। और मैं बहुत सारे अपने कॉलीग्स के घर पे देखती हूँ, मतलब वहाँ पे जो लड़कियां हैं छोटी बच्चियां हैं तो वहां पे एक संदूक पड़ा हुआ है, तो अम्मी जब भी मार्केट उनकी जा रही होती है तो वो चीजें उसके अंदर डंप कर रही होती है, गोल्ड जो है वो बैंक की तरह उन्होंने जमा किया हुआ है, तो मतलब इतना प्योर प्रेशर होता है, मतलब छोटी छोटी कमेटियां डाली हुई हैं, वो कहती हैं अच्छी बेटी की शादी है, तो मतलब इतना ओवर बर्डनाइज हुआ हुआ है फाइनेंशियली भी, मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस इज क्रिएटिंग दी स्ट्रेस, और वो मेंटली स्ट्रेस क्रिएट कर रही है इवेंचुअली। और एक हमारे यहाँ पे जो है कि बच्चे का जो है वो पैदा जो है वो पहला खर्चा वालदैन उठाएंगे, मतलब बिल्कुल भी ससुराल जो है उसको बॉदर नहीं करता है उसकी हेल्थ कैसी है क्या है, या उसकी कंडीशन भी जो है नहीं देखती। मैं इतनी सारी बच्चियों को देखती हूँ जिनका एज भी कम हो जाता है, जिनको उच्च प्रेगनेंसी की इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन APH हो जाता है, पार्टम हेमरेजेस हो जाते हैं, और दूसरा प्रीरियाज हो जाते हैं, अर्ली ब्लीडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन ये कि फैमिली बिल्कुल भी जो उनकी जो हस्बैंड की फैमिली बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, कहती कि अच्छा आप ये सारा बिल ये चीजें दवाइयाँ आप उनके उनको दे दें क्योंकि ये खर्चा जो है वो उन्हें उठा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस क्रिएटिंग होता है। आई हैव सीन डॉक्टर अक्षिंदा के फादर्स जो है वो बिल्कुल वीप कर रहे होते हैं और हाथ जोड़ के कह रहे होते हैं कि आप कुछ कर लें। अभी ही इस ईद पे खातून है जिसका फोर्थ बेबी होने वाला है, फोर्थ सिजेरियन सेक्शन, और उसको जो है वो डॉक्टर ने जो है वो एक साइलोरिक्स करके कोई मेडिसिन है, मतलब एनेमिक है वो खातून, उसका 7th HBN, शी कैन नॉट अफोर्ड, वो 3400 की है और उसको 7 इंजेक्शंस का है, तो मतलब मैं तो सॉरी आपकी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं तो फोर्थ सिजेरियन का सुनती हूँ मेरा दिमाग उस पे वो जा रहा है कि फोर्थ टाइम सिजेरियन मतलब बिल्कुल लेकिन अब कहने का मकसद ये कि हमारे यहाँ पे जो है वो एक जो पेयरिंग का होता है ना, दो लड़के हो गए अच्छा तो दो लड़कियां भी होनी चाहिए और घर बराबर होना चाहिए। मैं मुझे याद है मैं सोशल मार्केटिंग ग्रीन्स का मैं काम करती थी, तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन में हमारी जो गायनी की डॉक्टर्स होती थी, एक तो ये कि अगर कोई फीमेल आई है जिसका ये कि अगर वो जो है वो पोस्ट अबॉर्शन की तरफ जाना चाह रही है तो डॉक्टर्स उसको हाथ नहीं लगाएंगे,
वो सब कुछ सेप्सिस हो जाएगा, सेप्टिक में चली जाएगी, फिर वो आएंगे तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, रादर देन आप उसको भाई साइटोटैक जो है वो प्रेस्क्राइब करके उसको तरीकेकार बता दो, क्योंकि देखिए ये उसका खुद की मर्जी है कि वो कैरी कर सकती है, उसके फाइनेंशियल्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके इश्यूज हैं, राइट, नेवर नो। और लेकिन मैं, मुझे याद है उस डॉक्टर ने तो मुझे कुफर करार दिया था, और शी वाज सेइंग मी कि ये तो जो है ना वो अल्लाह की देन है, तुम जो है ना वो बीबी यहाँ पे क्या कर रही हो, दी एमबीबीएस। बस मुझे आपको इसलिए यहाँ पे रोकना पड़ रहा है कि मेरा ये बहुत ही अहम, सेंसिटिव और पेचीदा मौजू है, क्योंकि इस पे फतवे बहुत ज्यादा लगते हैं और असल गुफ्तगू या इश्तिहाद के पॉइंट ऑफ व्यू से मकालमा नहीं होता। लेकिन औरत की जो ऑटोनॉमी है और उसकी अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल है वो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता है। तो आप देखें आजकल अमेरिका में कितना एबॉर्शन का चल रहा है, उसको हमें रीराइट करने की जरूरत है कि भाई आप अफराद पे मत जाएं, आप ब्लैक कार्ड्स पे मत जाएं, आप औरतों की जिंदगी को देखें। जो मेरे ऊपर गुजरी वो मुझे पता है, जो शमाम ने सही वो उसको पता है, नौरीन जिस रास्ते से आई और शहनाज आपी ने जो जिंदगी का सफर तय किया ये उनको पता है, और हमारी और जो बहनें और बेटियां हैं, आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए और क्यों आप क्यों करेंगे और आपको क्यों इजाजत दी जाए। पहली पाबंदी तो सोच पे है ना, तो शहनाज आपी ये कॉन्वर्सेशन तो जारी रहना चाहिए, मगर सेशन में खत्म कर रही हूँ। एक एक जुमला जो है मैं चाहूंगी शमाम से शुरू करती हूँ, नौरीन का और शहनाज आप इसको जरा रैप अप कीजिएगा। जी शमाम कुछ कहिए प्लीज। जी थैंक यू डॉक्टर रक्षिंदा, मैंने ज्वाइन किया ये भी बहुत अच्छी मेरे लिए एक बार बाय चांस हो गया, बट आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ज्वाइन किया, बहुत अच्छी डिस्कशन है। और आई थिंक के इन्हीं में से चार पांच पॉइंट्स ऐसे जो आप खुद भी कह रही हैं कि इनको अलग लेके भी डिस्कशंस करते रहना चाहिए, एंड नॉट ओनली वेट फॉर एनी मदर्स डे और एनीथिंग, मे बी चलाते रहे इस सिलसिले को, चूंकि वाई डू वी यू नो लिमिट आवरसेल्व्स टू सर्टेन डेज फॉर सच इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो बट देन थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग इस तरह से ओपन करते हैं फोरम और बहुत सारे लोग इतना इंटरैक्टिव होने की कोशिश करते हैं। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका ये जो वीडियो है इसकी व्यूअरशिप बहुत मिले इसको, एंड आप एनकरेज्ड रहें और मोटिवेटेड रहें टू कीप सच थिंग्स गोइंग ऑन। आप म्यूटेड हैं। बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत और मेहरबान अल्फाज का। व्यूज मिले ना मिले, शहनाज आपी को पता है मैं बहुत डीट हूँ इस काम के अलावा कुछ और काम आता नहीं है, हम नहीं सुधरने वाले। सबीन चूंकि नजर आ गई तो सबीन एक जुमला जो है ना अब हम रैप अप राउंड कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने खुद एम्पावर नहीं करेंगे, नोबडी कैन। तो आपको खुद अपने लिए खड़ा होना है, आपको खुद अपने लिए सोचना है, और ये सब जगह ही हो रहा है कि पिट रहे हैं, पिटते आ रहे हैं, पिटते ही रहेंगे। ये आज की कहानी है, हमारे पास एक सारी जनरेशन नाज आपा की शक्ल में बैठी है, फिर नेक्स्ट आप हैं, फिर समाम है, और फिर नॉरिंग। ये एक डिफरेंट एज के बाद हो रहा है और होता आ रहा है कि वो कहते हैं ना इनफ इस विशेष सर्कल को तोड़ना होगा और उसके लिए कुर्बानियां भी देनी होती है। इनफ एक लाइन ये थैंक यू कैफे काम बहुत ही दबंग काम कर रहा है आई मस्ट से और बड़ी जो है वो दिलखोल और जो है वो औरतें इस फोरम पे आती हैं और जो कि हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सैल्यूट टू डॉक्टर रक्षिंदा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इन पर्सन आपसे जरूर मुलाकात रहेगी और बिल्कुल इंशाल्लाह। खवातीन और मदर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सब, तो हमें अपने आप पे खुद रहम करना चाहिए और ये कि हमें अपने आप से काइंड होना चाहिए, और दूसरा ये कि हमें अपना मी टाइम निकालना चाहिए जिससे हमें खुशी हो, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम सबके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते, और एक टाइम आता है कि हमें रिग्रेट फील होता है। एंड दूसरा ये कि वी शुड सपोर्ट टू ईच अदर, वुमेन नीड्स टू सपोर्ट टू वुमेन रादर देन की क्लेमिंग
और ये कि उससे बदमसी करें, उसको सपोर्ट करें, उसका सहारा बने, क्योंकि सेम चीज उसके साथ हो रही है जिससे शायद वो निकल के आई है या आने वाला कल है. वी शुड सपोर्ट ईच अदर. सो थैंक यू टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स जो के सिंगल पेरेंट भी हैं, जो के जिनके हस्बैंड्स नहीं भी हैं, और वो बहुत सारे रोल्स में बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं. और रिमेम्बर कि आप सबसे खूबसूरत ब्लेसिंग है अल्लाह की, तो अपने आप से प्यार करें, बिकॉज इफ यू लव योर सेल्फ तो यू विल बी लविंग टू गिविंग टू एवरीवन. और अपने आप को एजुकेट करें, जो बेटियां हैं, बिकॉज एजुकेशन ऑफ द वुमेन, एजुकेशन ऑफ द वुमेन इज द एजुकेशन ऑफ द जनरेशन. जहाँ वहां पढ़ी लिखी होगी तो वहां उसका घर जो है और घराना जो है वो पढ़ा लिखा हो. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. और आप ही, आपसे इजाजत लेने को तो दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको दोबारा तंग करूंगी. आपसे मैंने जो है ना एक्सक्लूसिव सेशन भी आपके साथ करना है, तो फिर बताइए. इंशाल्लाह ताला, जरूर. थैंक यू. और नौरीन आपके साथ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, और आप सभी के साथ तो काफी मेरा इरादा है उनको ज्यादा लगा. यू पोर्ड योर हार्ट आउट, और आपने मेरी भी इतनी ज्यादा सुनी, और तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. अपनी स्टोरी बताना बहुत मुश्किल होता है यार. बताएं शहनाज आप क्या करें हम. मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों से, पॉलिटिशियन से, और ये सारे लीडरान साहिबान सो कॉल, के खुदारा मुल्क की तरफ देखें, मुल्क को बचाएं, कौम को बचाएं. आप अपने झंझटों और अपनी खुदी और अपनी मैं से बाहर निकलें तो आपको नजर आए कि हमारी दुनिया में बेशुमार मसाइल हैं, उनका हल ढूंढें. अपनी मैं में मत रहें, क्योंकि सब ने जाना ऊपर ही है और हिसाब सब ने सबका देना है. औरतों पर जुल्म करना, तशद्दुद करना बंद करें, और इस पर बाकायदा तरीके से मुहिम चलाएं, ताकि वो जो ऐसी खवातीन जो सफर कर रही हैं उनको हेल्प कैसे की जाए. थैंक यू वेरी मच. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, प्लीज कीप इट अप. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हैप्पी मदर्स डे. खुश रहिए, खुश रखिए, और अपने आप पे जुल्म मत कीजिए. जिस तरह ने कहा कि अपने आप से भी मेहरबान रहिए. और हाँ, जो एम्पावरमेंट की बात है, अगर आप जुल्म के शिकंजे से निकलना चाहती हैं तो उसके लिए जरूरत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और उसकी बिल्कुल 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 बिल्कुल. ओके जी, लेटर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.